C2 का कल एसिड टेस्ट था, क्योंकि कल सब कुछ ओपन था, सब जगह खुल गया था, लेकिन उस एसिड टेस्ट में लेटर मार्क्स लेकर इसने पास किया है, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन था ज्यादा से ज्यादा ये भी 15-16 करोड़ का कलेक्शन करेगी, लेकिन इस मूवी ने मेरे सारे प्रेडिक्शन को तोड़ दिया है और इस मूवी ने कल कलेक्शन किया है 25 करोड़ 80 लाख, जो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब सोच लिए, जस्ट छुट्टी के बाद पहला दिन भी इस मूवी ने 25 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया, और इसके साथ साथ टोटल इंडिया में कलेक्शन हो चुका है 255 करोड़ 35 लाख। पहले दिन में इसमें यह कलेक्शन था 51.8 करोड़, और पेड पर व्यू में कलेक्शन था 8.5 करोड़, दूसरे दिन में 31.4 करोड़, तीसरे दिन में 43.85 करोड़, फोर्थ डे में 55.9 करोड़, फिफ्थ डे में 38.1 करोड़, और कल था सिक्स डे में 25.8 करोड़। टोटल हुआ है 255 करोड़ 35 लाख, और इसको अगर ग्रॉस करते तो होता है 306 करोड़ 15 लाख फ्रॉम इंडिया ग्रॉस, और ओवरसीज से आए 55 करोड़, टोटल होता है आपका 361 करोड़ 15 लाख। तो आज ये मूवी कितना कलेक्शन कर रही है, देखिए आज तो और भी थोड़ा गिरने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं गिरेगी, ज्यादा से ज्यादा 22 से 23 करोड़ के आसपास आज C2 मूवी कलेक्शन करेगी। और पहले 7 डेज और एक दिन तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक दिन पहले रिलीज हुई थी, तो पहले 8 डेज में ये मूवी के बारे में 100% मैं कंफर्म हूं 300 करोड़ तो रीच नहीं करेगी, लेकिन 300 करोड़ के करीब ही जाएगा, अराउंड 290 करोड़ पहले वीक में ये मूवी कलेक्शन करेगी। अब खेली खेलने की बात करते, खेली खेल में एकदम फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि कल पहला दिन था और पहला दिन का इसका जो कलेक्शन है वो कहने लायक नहीं है, यस कहने लायक नहीं है, क्योंकि कल का ये कलेक्शन था सिर्फ 1.2 करोड़। इसके साथ साथ पहले 6 दिन के बाद इसमें कलेक्शन हुआ 17.25 करोड़, इसको अगर ग्रॉस करते तो होता है आपका 20.70 करोड़ फ्रॉम इंडिया, और ओवरसीज से आया 7 करोड़, यानी टोटल 6 डेज के बाद खेली खेल में का टोटल कलेक्शन है 27.70 करोड़। तो ये 100% फ्लॉप है, ये लगातार अक्षय कुमार का जो 8th मूवी है जो फ्लॉप हुई है। अब वेदा की बात करते, वेदा मूवी के बारे में एक चीज बता दूं, कल इस मूवी ने सिर्फ कलेक्शन किया है 80 लाख, यस 6 डे में इस मूवी का इंडिया से नेट कलेक्शन था 80 लाख, और ये लोग सक्सेस पार्टी दे रहे हैं। मतलब क्या हो गया है बॉलीवुड को, आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितना सोच इन लोगों का, किस प्रकार की सोच इन लोगों का, कि जो मूवी 6 डे में 80 लाख कलेक्शन कर रही है उसका भी सक्सेस पार्टी दिया जा रहा है, और टोटल कलेक्शन 6 डे के बाद 16 करोड़ 30 लाख, इसको अगर ग्रॉस करते तो होता है 19 करोड़ 30 लाख, और ओवरसीज से 3 करोड़, टोटल है 22 करोड़ 30 लाख। और एक तेलुगु मूवी जो हिंदी में भी रिलीज हुई थी वो है डबल स्मार्ट, इस मूवी का कल का कलेक्शन सबसे पूर रहा है, और यह है सिर्फ 55 लाख। इसके साथ साथ टोटल कलेक्शन है 13.35 करोड़, और ये 13.35 करोड़ ग्रॉस करने पर होता है 15.20 करोड़, ओवरसीज से आया 2.5 करोड़, टोटल है 17.70 करोड़ आफ्टर 6 डेज डबल स्मार्ट का। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।